वाराणसी कैंट रोडवेज बस स्टैंड पर दंपत्ति के साथ हुई लाखों रुपए की उचक्कागिरी का सिगरा पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने घटना के 24 घंटे के अंदर चार आरोपियों को लहरतारा फ्लाई ओवर के नीचे से गुरुवार को गिरफ्तार कर चोरी का सारा माल बरामद कर लिया। वर्कआउट है दिनांक 26/5/2021 को प्रातःकाल सुबह में एक दंपति आ रहे थे कानपुर से। वो बस में बैठे तो ये लोग, ये जनपद मैनपुरी का गैंग है, एक नगला उसर गांव वहां का है, इसमें बहेलिया जात के लोग रहते हैं। और ये पूरा गांव ही, वहां के थाना अध्यक्ष महोदय से बात किया गया तो बताया कि पूरा गाँव है, उस गाँव में 55 हिस्ट्री सीटर हैं। ये लोग का काम ये है कि ये सवारी जैसे ही बस में बैठने जाती हैं, ये कोई कंडक्टर बन जाता है, कोई उनका हेल्पर, मतलब मदद के नाम पर लाइए आपका सामान लिखा दें, और इतनी ये फास्ट हैं कि रखते रखते में सामान गायब कर देते हैं, खासतौर से ज्वेलरी और कैश। और इनको इतना आइडिया सटीक है कि उसी चीज़ को निकालते हैं और लेकर उतर जाते हैं। तो ये एक घटना कारित की एक कुछ क्लू हम लोग को मिले, फुटेज से मिले, और इनको तत्काल फिर पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। माल बेचते हो जाए, कुल माल, कुछ माल इनका इसी मुकदमे से संबंधित मिला है, कुल अन्य चोरियों को मिला है। कुल लगभग 1.5 लाख माल बरामद हुआ है। इनके दो साथी और हैं, वो लेके और माल शेष उनके पास है। तो इनकी पहचान कैसी हुई? इनकी पहचान हुई थी कि ये गैंग बना के चलते हैं, जैसा हुलिया बताया गया था इनके बारे में, हम लोग के पास इनपुट भी था कि ये 2-3 के साथ में रहेंगे, एक आदमी उसमें बैग लिएगा, कुछ दूरी बना के रहते हैं, कुछ दूरी बनाते, ये हम लोग को मालूम हो गया था कि गैंग बाहर का है। तो हम लोग इनको तो पकड़ने से पहले इनसे बुलवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे ये मिल गए कि ये कहाँ जा रहा रास्ता का, ताकि हम लोग इत्मीनान हो जाए कि ये उधर के हैं कि नहीं हैं। इसी के क्रम में मुखबिर की सूचना पर इनको लहरतारा से पकड़ा गया है। अब पकड़ने के बाद ये बरामद, दो साथी इनके फरार हैं, काफ़ी माल उनके, उनको भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है, बहुत जल्द उनको भी पकड़ लिया जाए।